यो व्हाट्स अप, बैक टू अनदर वीडियो। तो हम लोग आ चुके हैं अपने सर्वाइवल वर्ल्ड के अंदर, जो कि सबसे हॉरर सीड है भाई। मतलब बहुत सारे बंदों को कहना है कि ये सबसे हॉरर सीड है, तो उससे हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट वाली स्ट्रीम में आपने देखा होगा, हमने ऑन स्ट्रीम आयरन आर्मर पूरा का पूरा बना लिया था। एंड आज मैं सोच रहा हूँ एक घर बनाया जाए जिसके अंदर हम बढ़िया से अपना सामान सॉर्ट करके रखेंगे। और मैंने एक घर पसंद किया है, पर उसके लिए हमें चाहिए बहुत सारे रिसोर्सेज, जो कि अभी हम माइन करने जाएंगे। एंड या वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और ये है वो विलेज जो हमें मिला था लास्ट वाली स्ट्रीम के अंदर। पहले तो इन विलेजर चचा से थोड़ा खाना ट्रेड कर ले, नहीं खाना ट्रेड नहीं करना है, ऐसा करते हैं इधर तो यही खाना, क्राफ्टिंग टेबल ढूंढो, रिस्पॉन पॉइंट सेट कर लेते हैं और इस विलेज की कहीं पर तो रख देते अपना खाना। खाना नहीं मतलब बेकार की सारी चीज़ें, जो कि एक्स्ट्रा वाली चीज़ें है वो, क्योंकि अगर हम यहाँ पे कहीं पे मर गए तो फिर हमारा सामान सेफ रहेगा उस वजह से। ये है वो घर जिसके अंदर मैं रखूँगा सब कुछ। एक ये काम का नहीं, ये भी बेकार है, ये भी बेकार है, ये काम का है, ये बेकार 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 है, ये भी बेकार है। वुड काम आएगा, बेड काम आएगा, गोल्डन एप्पल बेकार है, क्राफ्टिंग टेबल इधर रखते हैं, ये बेकार है। एंड एक और चेस्ट चाहिए होगी जो हम एक सैंडो को बना लेते हैं। एक और चेस्ट बन गई है एंड उसे लगा देते हैं इधर, जिससे डबल चेस्ट बन जाएगी। इसमें हम रखेंगे TNT, वूल, जी हाँ वूल भी बेकार ही है वैसे, आयरन रखते हैं चलो। ठीक है, क्राफ्टिंग टेबल ले लेते हैं इधर से, क्योंकि क्राफ्टिंग टेबल पे हमें नीड, अरे यार क्राफ्टिंग टेबल रखनी थी इधर, इससे खाना बना लेते हैं ना पहले सारा। एक स्टैक तो ब्रेड हो गई, ऐसा करता हूँ इधर रखता हूँ, बाकी की लेके चलते। ठीक है, 50 ब्रेड इज इनफ टू लीव, इनफ रहेगी। हमें इसके लिए चाहिए होगे बहुत सारे वुड, तो फिर पहले तो वुड लेके आते हैं, क्योंकि वुड की सबसे ज़्यादा नीड रहेगी हमें। एंड हमें वुड जैसे कि आपको पता ही है मिलेगा नहीं इधर ऐसे ही, तो लेके आते चलो भाई। एंड आप लोग सोच रहे होंगे मैं कैसा घर बनाने मतलब बात कर रहा हूँ, तो वो मैं आपको स्क्रीन में ये दिखाई रहा हूँ। मैं इस टाइप के वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, मतलब इस टाइप का घर जिसमें मतलब टू स्टोरेज होगा, एक नीचे एक ऊपर, और ऊपर की साइड में जब तक मुझे पता है मैं ऊपर है ना सारा स्टोरेज का सामान रखूँगा, नीचे रहने का रखूँगा, तो क्या है बेकार में टाइम पास नहीं होगा और अपना सामान भी सेफ रहेगा उससे। अभी तो पहले इधर से ले लेते हैं सारा वुड भाई, आ जा यार। उसके लिए हमें चाहिए होंगे कुछ 300-400 प्लैंक्स, ओके, और ओक इधर मिलेगा नहीं इजीली, क्योंकि हमें सवाना के बीचों बीच। अब देखते हैं हमें मिलता है कि नहीं, कितना मिलता है कितना नहीं। पहले सो लेते हैं, नाइट। ओके, उठ चुके हैं हम, सुबह हो चुकी है। एंड ये एक पेड़, एक्चुअली में दो पेड़ रह गए, कोई ना वो भी कर देंगे। ठीक, हमें एप्पल्स भी मिल रहे हैं, तो एप्पल से हम गोल्डन एप्पल बना सकते हैं। ठीक है, वो भी हमारे लिए एक एडवांटेज है।
कि डायरेक्ट इधर से पेड़ उखाड़ लेते हैं। ये बाकी है ना, हाँ देखो कैसे छुपके बड़ा है। तेरे को क्या लगा नहीं हम तेरे को ढूंढ पाएंगे? मैं तो ढूंढ लूंगा भाई। ओके तो इतने पेड़ शायद से तो इनफ नहीं रहेंगे, वैसे तो इनफ नहीं है, हमें और चाहिए। बट हम इसे नीचे मतलब इसे रख के हम सामान लेने चले जाते हैं, क्योंकि मेरे को चाहिए बहुत सारे बर्बर के कॉबल स्टोन्स, अराउंड 400 से ज़्यादा। ठीक है तो मैं कॉबल स्टोन लेने जा रहा हूँ अभी, और इन्हें वो करके जाता हूँ सैपलिंग लगा के, एक इधर 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 भी एक इधर एक इधर एंड एक इधर एक इधर एक और आगे सैपलिंग। चलो भाई और वहाँ पे भी होगी ना, सामने की साइड भी मैंने बहुत सारे पेड़ खोले थे भाई, बता ना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरे को बताया तब तो बहुत सारे पेड़, अरे इस तरफ पर अपना ही एरिया है ना, इस तरफ तो अपना ही एरिया है, इस तरफ से मिल जाएगा। चलो भाई वुड बहुत सारा मिल जाएगा, अभी हमें चाहिए कॉबल स्टोन। अरे आयरन है, मैं आयरन लेता हूँ, रुको भाई। आयरन इज मोर इम्पोर्टेंट गाइस, ठीक है। अगर माइनक्राफ्ट में कहीं पे आयरन मिले तो ले लेना चाहिए, पता चले ये हमारा आखिरी आयरन हो, नहीं मतलब पहला आयरन हो। ओके सो दो आयरन भी आ गया। चलो भाई इतना वुड तो आई थिंक सो इनफ रहेगा हमारे लिए, पर और भी हम बना देंगे उसकी कोई भी चिंता नहीं है। अभी हमें चाहिए बहुत सारा मतलब ये कॉबलस्टोन, तो मैं चलता हूँ कॉबलस्टोन माइन करने, एंड मिलता हूँ कॉबलस्टोन सारे माइन करने के बाद। मैं ये बोल रहा था कि हमारे पास इनफ मतलब कॉबलस्टोन्स तो आ चुके हैं, तो अब हम जाते हैं देखते हैं अपने पेड़ उगे हो तो फिर पेड़ से भी ले ही लेते हैं। भाई मैं लगाऊंगा ये बेकार ब्लॉक, ठीक भाई मैं कितना आ गया हूँ, सारी ये कट कर लेना ठीक है प्लीज। ओके तो हम लोग आ चुके हैं ऊपर, एंड अब मैं पानी लगा के ऊपर चला जाऊंगी। अरे भाई चला जाऊंगा मैं ऊपर, ठीक है। एंड ये हम आ चुके हैं ऊपर अपने एरिया में। मेरे को ये ढूंढना है मेरा घर कौन सा था, आई थिंक सो वो वाला था ना, यस दैट वन इज माय हाउस। तो इसे पहले हम अपना कॉबलस्टोन लगा देते इधर पहले सारे। भाई ये तो वाटर लॉग हो गई। ओके तो कॉबलस्टोन भाई सिर्फ 9 ही थे क्या यार, मेरे को वापस लगा लेके आने पड़ेंगे सारे। छी भाई ओ वो सब तो छोड़ो भाई, वो सब ले आएंगे, पहले देखते हैं वुड कितना हो रहा है। हमें चाहिए अराउंड राउंड, अगर राउंड फिगर में लेके चले तो 230 से ज़्यादा चाहिए, तो 200 हाँ भाई इनफ है, वुड तो इनफ है भाई, वुड इज मोर देन। मेरे को स्टोन का देखना पड़ेगा, स्टोन नहीं है इनफ। देख लेंगे वो भी, जो भी होगा वो देख लेंगे। अब देखते हैं कैसे हुआ हाउस। अब हमें उसके लिए पहले तो चाहिए थोड़े बहुत ग्लासेस,
ग्लास 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 चाचा जी, ऐसा करते हैं सुनो, यहाँ पे है नहीं क्राफ्टिंग टेबल, हम लगा देते हैं अभी टेम्पररी के लिए, इसके अंदर बना देते हैं एक शवल, ठीक है। अब हम लेके आएंगे बहुत सारी सैंड जो कि इधर है, ये शायद तो इनफ रहेगी, शायद ना भी रहे, आई डोंट नो, ठीक है। वैसे डर्ट से भर सकते हैं ना इसे हमें, अगर भरना हो तो। डर्ट से भर सकते हैं, वैसे तो 33 सेंट इज मोर देन इनफ, 30 सेंट इसे भर लेते हैं। चलो भाई भाई कुछ ना इसे, कुछ ही सही, क्योंकि ऐसे खाली खाली अच्छा भी तो नहीं लगेगा। देखो यहाँ पे कैसा लग रहा है, अब बढ़िया लग रहा है ना, एक सेंट इसे तोड़ देते हैं, अब बढ़िया लग रहा है, ठीक है। तो अभी थोड़ी और सैंड ले लेते हैं हमें, मतलब ग्लास है तो बेसिकली पता ही ना ग्लास हमारा कितना वेस्ट होता है, क्योंकि अपने भी सिल्टच भी नहीं है। ओके हमने ये वाली सैंड ले ली इधर से, अब हम जाते हैं अपने लिए कॉबल स्टोन से एक फर्नेस बनाने के लिए। एंड ओए खड़े हो जा साले नल्ले, सुबह हो गई, हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, मतलब सुबह हो ही गई है। अब हम चलते हैं अपना घर बनाने के लिए, उसके लिए हमें चाहिए रहेगा एक फर्नेस और थोड़ा सा कॉबलस्टोन और कॉबलस्टोन के साथ हमें चाहिए रहेगा बहुत सारा कोल। कोल हो गया है, अब हम जाएंगे घर बनाने के लिए, सो लेट्स गो। पहले कोल को, मतलब पहले इधर होने देते हैं इसे ग्लास स्मेल्ट, तब तक ऐसा करते हैं कि इसका बेस बना के आते हैं, मतलब इसका बेस बनेगा और पूरा वुड के, वुड से एंड कॉबलस्टोन से, तो देख लेते हैं कि कैसे बनेगा इसका बेस। भाई पहले तो देखना पड़ेगा मेरे को कि हमारे पास रिसोर्सेज इनफ है कि नहीं, ये मेरे को अभी भी डाउट है कि इतने इनफ नहीं रहेंगे। ओके सो हमें अभी चाहिए पहले एक ओपन सा एरिया, पहले तो थोड़े स्टोन ले लेते हैं, ठीक है, और वुड भी ले लेते हैं। अभी हमें चाहिए एक ओपन सा एरिया जहाँ पे हम अपना घर बना पाए, तो मैं सोच रहा हूँ इसके ऊपर पूरा प्लेन हो तो इधर ही बना लेते हैं, ठीक है। अगर इधर पूरा प्लेन हो तो इधर ही बना लेते हैं, बाकी का देख लेंगे, नहीं बना सकते हैं बना सकते हैं, यहाँ से व्यू बढ़िया आएगा इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। कैसे हवाई, हाँ भाई ये बढ़िया है, ये बढ़िया है, इधर ही बनाएंगे, इधर ही बनाएंगे भाई, भाई बनाएंगे तो इधर ही, अब बनेगा इधर घर, ठीक है। पहले तो बीच में पानी डाल देते हैं, तो सारा ग्रास क्लियर हो जाएगा एंड डन। अभी हम पहले इधर से थोड़ी वो डर्ट भी निकाल देते हैं, क्योंकि ये है लेवल घर का। ओपन व्यू आएगा इस तरफ को, माउंटेन व्यू आएगा, तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं घर बनाने का। तो घर बनाएंगे हम कौन से डायरेक्शन में, इस तरफ की डायरेक्शन में बनाएंगे, ठीक है। तो हमें चाहिए 14 ब्लॉक का एरिया जो कि इस तरफ से होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ब्लॉक का ये एरिया हो गया, 9 10 11 12 13 blocks in one direction. अभी यहाँ पे हमें लगानी है दो स्टेयर्स जो कि इस तरफ को डायरेक्ट करेगी, एंड अगर हमें उस तरफ की करनी है तो इधर दो स्टेयर लगाएंगे। तो इधर दो स्टेयर लगाने के लिए हम इधर से थोड़ा वुड ले लेंगे, एंड चार स्टेयर बन चुकी है,
चार स्टेयर को। अरे यार हूँ तो मैं बहुत प्रो। हमने यहाँ पे स्टेयर लगा दिया, अब देखते हैं कि इधर से व्यू कैसा आ रहा है। हाँ तो बढ़िया रहा है वैसे, एंट्री ले लेंगे इधर से एंड बढ़िया है। एंड अब हमने ये कर लिया, अब इसके बाद हमें 13 ब्लॉक्स ऐसे खींचना है। तो 13 ब्लॉक से पहले तो गड्ढे कर देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। एक सेकंड, एक बार वापस गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ये ज़्यादा है ठीक है, तो पहले तो डर्ट लेते हैं और इसे फिल कर देते हैं डर्ट से। ये रहा वो एरिया जिसके अंदर घर बनेगा, इतना बड़ा घर बनेगा ठीक है, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। अब इसके ऊपर हमें लगानी है पूरी फेंसिस, तो हमें फेंस बनानी पड़ेगी उसके लिए। एंड उसके लिए हमें चाहिए ऑब्वियसली लकड़ियाँ बहुत सारी। एंड ये तो गेट बनेंगे ना, छे ये और आई थिंक सो इतनी इनफ नहीं होगी, तो थोड़ी और बना लेते हैं। एंड बस इतनी इनफ होगी अभी के लिए, तो लगा देते हैं पहले तो 1, 2, 3। Thank you.
फाइनली हमारे पास लैब्स की कमी हो चुकी है। एक दो तीन चार पांच, एक स्लैब चाहिए, सिर्फ एक स्लैब, कहीं से एक स्लैब मेरे को चाहिए बस। शायद नहीं, इधर इसे रखते हैं, ऊपर जाके स्लैब लगा देते हैं, सिंपल। यहाँ पे लगा देंगे हम अपनी स्टेयर्स। तो हमारे नीचे जाने का एरिया रेडी हो गया, अब हम इसे है ना पूरा उससे कवर कर देंगे, प्लैंक से, वुडन प्लैंक से। Thank you.
सो फाइनली मैंने यहाँ से सारे के सारे बेकार के मतलब ब्लॉक्स हटा दिए एंड यहाँ पे बचाए सिर्फ अब ये प्लैंक्स। ओके तो ये फाइनल लुक घर का जो कि बहुत बढ़िया लग रहा है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड पहले बाहर से एक बार दिखाता दूँ तुम लोगों को घर कि है कैसा। डाई है तो हाथों हाथ ये भी कर देते हैं। एक तो भाई यार विलेज में इनको लेके जा भी नहीं सकते, रेड लगेगी। पहले ऐसा करते सो जाते इनको लावा से, इनको हाँ इनको लावा से कर देंगे। मैं लावा लेके आता हूँ नीचे से। वेट फॉर अ सेकंड, प्लीज लावा मिल जा भाई प्लीज। ये मेरा घर इधर होगा, लावा नहीं है, शिट। अब क्या कर सकते हैं, आयरन भी नहीं है। एक सेकेंड, लीड है, लीड लीड भी नहीं है, आयरन गोलम भी नहीं है। वाओ मेरे को अब एक ही चीज करनी पड़ेगी, बकेट ऑफ मिल्क लेके आना, क्योंकि बकेट ऑफ मिल्क के बिना तो ये लोग जाएंगे नहीं। बुरा गाय है ना ये तो। ठीक है मैं बकेट ऑफ मिल्क ही ले लेता हूँ एंड बेड ओवन लेके सीधा क्लियर कर देंगे। अब चलते हैं ऊपर एंड देखते हैं क्या कर रहे हैं वो लोग। भाई इधर भी थी गाय, वहाँ पे ऐसा करते एक फार्म भी बना देंगे नीचे की साइड जो हमने रखा है ना उधर। भाई घर तो बढ़िया है कुछ भी बोलो। बेड ओमेन हमारा हट गया है, ठीक है कोई भी इश्यू नहीं है अब उस बात पे। तो वैसे ये तोड़ दो भाई, ठीक है ये हमने तोड़ दिया, हम थोड़ा खाना खा लेते हैं। ये फाइनल हाउस हमारा जो कि बहुत बढ़िया लग रहा है, देख लो भाई। बस अब इसका इंटीरियर बनाना बाकी है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बनाएंगे। तब तक बाय बाय एंड टाटा।